कांग्रेस ने अपने चुनावी वचन पत्र में जन स्वास्थ्य रक्षकों को भरोसा दिलाया था कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन कमलनाथ सरकार को कामकाज करते हुए 6 महीने से भी ज़्यादा का समय बीत गया है। बिजली की आंख मिचौली भी प्रदेश में शुरू हो गई है, वहीं श्रमिक कार्ड भी बंद कर दिए गए हैं, यानी कि अब गरीबों पर चौगनी मार पड़ रही है। वहीं जन स्वास्थ्य रक्षकों की मांगों की ओर भी प्रदेश सरकार का कोई ध्यान नहीं है, इसलिए इन जन स्वास्थ्य रक्षकों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा है। ये है कि सरकार तक सही ढंग से मैसेज हमारा पहुंच नहीं पा रहा है। हम चाहते हैं कि उसको आप दे दें। 3 और 4 तारीख को हमारा एक महासम्मेलन भी है भोपाल में। आप नीचे खड़े हुए थे, ठीक है। 15 सालों से हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। आज पदस्थापना के लिए हमारी लड़ाई चल रही है और सरकार तक हम संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारी पदस्थापना जल्द से जल्द की जाए। हम प्राथमिक उपचार ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी दे रहे हैं। हम 23